देखिए हमारे पीछे बहुत ही लाजवाब और मस्त से व्यू है यहाँ पे अल्टीमेट वाले। तो यहाँ एक ऊपर टॉप पे नैना देवी जी का भी मंदिर है, माता नैना देवी जी। अब मैं वहाँ पे कभी गया नहीं हूँ, तो देखते हैं चल के। 8 किलोमीटर है यहाँ से रिवालसर से, और 1:30 बजे गाड़ी जाती है, तो देखते हैं बस लेते हैं और निकलते हैं फिर। तो सबसे पहले कर लेते हैं लंच। लंच में है कड़ी चावल, मेरे फेवरेट। और अभी यहाँ पे लग गई है बस रिवालसर से नैना देवी के लिए, तो बस लेते हैं और चलते हैं फिर। और हाँ, आजकल कुछ आइसक्रीम खाने का भी ज़्यादा ही मन कर रहा है। तो वो टॉप पे ऊपर है हमारी डेस्टिनेशन, माता नैना देवी जी का मंदिर। तो चलिए। तो भैया जी, इस कहानी की शुरुआत होती है रिवालसर से। एक्चुअली हुआ यूं कि हम गए थे रिवालसर घूमने और हमारा काम ख़त्म हो गया 1 बजे के आसपास। तो लंच करने के बाद हमारी बात एक अंकल जी से हुई, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ टॉप पे एक नैना देवी माता जी का भी टेंपल है, आप वहाँ भी जा सकते हैं और वहाँ का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं, साथ के साथ आप माता जी के दर्शन भी कर सकते हैं। तो हमने ज़्यादा नहीं सोचा, नेक्स्ट बस ली और निकल पड़े। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत ही अद्भुत है। रास्ता काफ़ी सुंदर है, पर कहीं कहीं रास्ते में पत्थर वगैरह भी गिरे थे, तो बीच बीच में कंडक्टर भैया को उठाने पड़े वो। और नीचे जो आपको ये बहुत ही सुंदर लेक दिख रही है, इसका नाम है पार्वती लेक। स्लाइड हुआ है और देख सकते हैं आप, रोड बंद है यहाँ पे, और सामने कुछ मोनेस्ट्री टाइप है, पता नहीं यहाँ पे शायद वो लोग बुद्धिज्म वाले लोग रहते होंगे। और नीचे है लेक और मंदिर ऊपर जाके है कहीं, अभी देखना पड़ेगा जाके। पीछे रास्ता बंद है तो अब हम जा रहे हैं पैदल, यहाँ से 15 मिनट का डिस्टेंस है पैदल। चलो चलते हैं फिर माता के दरबार। यहाँ से स्टेयर्स हैं ऊपर के लिए, और अभी हमने ले लिया पैदल ट्रैक, कहते हैं 15 मिनट, पर खड़ी चढ़ाई है तो कितना टाइम लगेगा पता लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भाई, मैंने लाइफ में पहली बार ऐसी मार्बल की स्टेयर्स देखे हैं, वो भी जंगल के रास्ते में। पता नहीं लोगों की कैसी आस्था है, आई मीन यहाँ पे माता जी के बहुत आस्था होगी। सांस फूल गए। देखिए जंगल में मार्बल का रास्ता, और अभी टाइम हो रहा है 2:32, देखते हैं हम कितने टाइम में पहुँचते हैं। रास्ता काफ़ी सुंदर है, अब थोड़े हैबिचुअल हो गए 5-7 मिनट चलने के बाद, और खड़ी चढ़ाई ऊपर को। ओहो, ये देखिए यहाँ से फिर से स्टेयर्स ऊपर, यहाँ लैंडस्लाइड हुआ और रास्ता बंद, यहाँ से ऐसे रास्ता ऊपर को। तो
पड़ेगा जी, गॉगल और सूट बूट पे मुझे चाहिए। हालत अभी काफ़ी ख़राब हो गई है, पसीना पसीना हो रखे हैं। और ये देखिए, ओह सीधी चढ़ाई ऊपर को। सो आफ्टर रनिंग 15 मिनट्स अभी 2:42 है और मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ। अभी मंदिर दिखाई दे रहा हूँ, तो दिखाते हैं आपको भी मंदिर परिसर का भी और इन्जॉय करते हैं। हम पहुँचे और बारिश भी लग गई और ये है मंदिर का गेट। अभी हम पहुँच गए हैं पर देखो बारिश भी लग गई। ये है पार्किंग यहाँ पे। जूता ग्रीन, यहाँ पे जूते उतारो। हेलो, हाय कर दो, हाय कर दो हमारी यूट्यूब फैमिली को, आप भी कर दो, हेलो कर लो। अभी हम मंदिर परिसर में एंटर हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बारिश की वजह से काफ़ी धुंधी धुंध पड़ गई है। अभी तो मंदिर भी उतना साफ़ नहीं दिख रहा है। और ये देखिए, ये सामने है मंदिर और कितना फॉगी फॉगी सा हो गया ना। मेरे पीछे आप ये जो मंदिर देख पा रहे हो, ये है माता नैना देवी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं बट अब वेदर कुछ ऐसा जैसा हो गया कि मैं आपको यहाँ पे व्यू तो नहीं दिखा पाऊँगा, पर जितना कोशिश होगी दिखाएंगे आपको। स्थान के पीछे एक प्राचीन कथा भी है जिसके अनुसार यहाँ समीप के गांव में तारा नाम की एक लड़की रहती थी। एक दिन हुआ यूं कि उसका पीछा करते करते डाकू यहाँ स्थान तक पहुँच गए और जैसे ही वो यहाँ पे पहुँची उसने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और कहा कि जैसे उन्होंने द्रौपदी की रक्षा करी थी वैसे ही वो उसकी भी रक्षा करें। तो जैसे ही वो आगे बढ़ी उसे ऋषि लोमेश जी वहाँ पे दिखाई दिए और वहाँ पे एकदम से धरती फट गई और वो लड़की वहीं पे समा गई। तभी से ये स्थान माता उग्रतारा के नाम से प्रसिद्ध है। को प्राचीन काल में देवथल या देवस्थल के नाम से भी जाना जाता था। 1905 में जो भूकंप आया था उसमें वो माता उग्रतारा का मंदिर धराशायी हो गया था। उसके बाद ये जो आप मंदिर अंदर देख पा रहे हैं उसका निर्माण किया गया था। उसके बाद कहते हैं कि मंडी के जो राजा थे, राजा विजय सेन जी, उनकी आँखों की रोशनी चली गई थी। उन्होंने बहुत इलाज करवाया बट उनकी आँखों की रोशनी नहीं आई। फिर उन्हें एक दिन स्वप्न में माँ आए और उन्होंने कहा कि अगर वो मंदिर में नेत्र दान करते हैं तो उनकी आँखों की रोशनी आ जाएगी। तो वो यहाँ मंदिर में आए और उन्होंने यहाँ पे नेत्र दान किए जिससे कि उनकी आँखों की रोशनी आ गई। तो जैसे ही उनकी आँखों की रोशनी आई उन्होंने इस स्थान का नाम माता नैना देवी घोषित कर दिया और तभी से राजा के आदेश अनुसार इस स्थान को माता नैना देवी के नाम से जाना जाता है।
पीछे जो आप देख रहे हो ये है माता नैना देवी जी का मंदिर। यहाँ रिवालसर से 8 किलोमीटर ऊपर है और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे हनुमान जी का, शिव भोले का और माता नैना देवी जी का भी मंदिर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही भव्य मंदिर है। बुद्धिज़्म लोग रहते हैं, आप देख सकते हो। वाओ, यहाँ पे पूरा मंदिर वाला बना हुआ है सारा। मेरे पीछे देखिए आप सुंदर नज़ारा। यहाँ पे आई होप ये माता नैना देवी जी का ट्रैक और मंदिर आपको बहुत प्यारा लगा होगा, बहुत इंजॉय किया होगा आपने। बहुत ही सुंदर नज़ारा है इधर। आप भी आइए कभी और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। जल्दी जल्दी हमारे 500 सब्सक्राइबर करा दीजिए और इस वीडियो का लाइक हम ज़्यादा नहीं रखते, 50 लाइक तो करवा दीजिएगा कम से कम। और अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।